हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पे। यार जैसा कि मैंने आप लोग दिखाया था, मेरा घर बन रहा है बड़हगंज, और मैं आज अभी इस वक्त सुबह के बज रहे 8 निकला हूँ घर से गोला बाजार से बड़हगंज के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पे क्या गजब के यार सीन है। मतलब कोहरा आज है 21 दिसंबर, ठंड का पहला दिन, जो कि आज इतना ठंड पड़ रहा है, मतलब इतना कोहरा है यार आज। मतलब कहीं कहीं जगहों पर तो बहुत ज़्यादा कोहरा है, यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा कोहरा है, जहाँ तालाब हैं जैसे रास्ते में, जहाँ पे तालाब आ रहे हैं, पेड़ पौधे आ रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा कोहरा दिख रहा है। और मैं और मेरे भाई बाइक से, मतलब दो लोग जा चुके हैं घर से, मेरी अम्मी और मेरे बड़े भाई, वो लोग निकल लिए हैं सुबह ही, क्योंकि मिस्त्री आ चुके हैं बोरिंग करने वाले। इंशाल्लाह आज बोरिंग का काम, जो टंकी का काम है पानी का, वो इंशाल्लाह आज कम्प्लीट हो जाएगा। और मैं और मेरे छोटे भाई निकले हैं, मतलब बाइक से एक साथ, और बहुत ही स्लो स्पीड में यार चल रहे हैं। मतलब क्योंकि यार ज़्यादा हाई स्पीड चलना मुनासिब नहीं है इस टाइम में। देख सकते हैं आप लोग कितना कोहरा है, इधर कुछ भी हो सकता है। तो यार आप लोग भी ड्राइव करें तो मतलब स्लो ही करें। यहाँ से देख सकते हैं रोड का भी, मतलब क्या ही यार, इधर खेत का नज़ारा और मतलब गजब का यार सीन दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो यार लेके चलते हैं आप लोग बड़हगंज अपने साइड पे, जहाँ पे मेरा काम चल रहा है, फिर तो दिखाते हैं वहाँ पे मतलब क्या क्या काम मेरा हो चुका है और क्या क्या काम बाकी है। मतलब काम तो अभी बहुत सारा बाकी है, अभी समझिए कुछ नहीं हुआ है, बस नेव खाना गया है। और जो भी बोरिंग का काम हो रहा था आज, बोरिंग वाला बोला कि आज बोरिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आज काम कंप्लीट हो जाता है, फिर दिखाते हैं आप लोगों को आगे का ब्लॉग। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो लोग यार चैनल पर नए हो, चैनल के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलें, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और यार फाइनली हम बहलगंज आ चुके हैं, और यार हालत ख़राब हो गई, मतलब इतना ठंड, मतलब कायदे की ठंड थी। और देख सकते हैं ये है गोला रोड, और अभी हम जा रहे हैं कॉलेज रोड की तरफ, मतलब जहाँ पे मेरी दुकान है जो मैंने दिखाया था आप लोगों को। जाएंगे वहाँ पे, शॉप को ओपन करेंगे, फिर वहाँ से चलेंगे अपने साइड पे। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, लेके चलते हैं आपको बहुत जल्द अपने साइड पे, दिखाते हैं वहाँ का सीन। ये रहा यार कुछ भी, मतलब कुछ सीन यहाँ का कॉलेज रोड का, बड़हगंज के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल बाल मंदिर कॉलेज है, मतलब कॉलेज नहीं स्कूल है ये। और इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पे इंटर कॉलेज है, नेशनल इंटर कॉलेज। और यहाँ पे सब पूरी कापी किताब की सब प्रिंटिंग वाली दुकानें हैं। यहाँ पे है नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जिसमें मैं पढ़ा हूँ, मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन की कॉलेज में कंप्लीट हुई है। मतलब गोला से बरहल तक एक ही व्यू है, मतलब एक ही सीन है, मतलब वहाँ से लेके यहाँ भी। ये नहीं कि गोला में कोहरा पड़ रहा है और यहाँ पे मौसम साफ है, यहाँ भी देख सकते हैं आप मस्त वाला कोहरा है। सेम जैसा गोला बाजार में है, वैसा बड़हगंज में भी कोहरा इस वक्त पड़ रहा है। और यार फाइनली हम अपनी शॉप के करीब आ चुके हैं, मतलब ये रही मेरी शॉप। और यार अभी फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं अपने साइड पे, और दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का सीन। यहाँ पे देख सकते हैं गिट्टी और ये बालू, मतलब गिर चुका है, यहाँ पे ईंटा उतर रहा है। मतलब सुबह सुबह ये भी आ गया, मतलब आज लगता है कि नेव का काम स्टार्ट हो जाएगा मेरे। बाकी इधर अभी काम हो नहीं रहा है बोरिंग का, क्योंकि ठंड ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग बैठ के सेक रहे हैं आगे। और यार चल के हो लेते हैं थोड़ा हम भी गर्म, क्योंकि यार बाइक से आते आते हो गए एकदम बिल्कुल ठंडा, हाथ पैर एकदम ठंडा हो गया। तो चल के थोड़ा सा सेक लेते हैं हम भी। मतलब देख सकते हैं ये पेड़ का रूट है, उसको मतलब पेड़ कट गई है, रूट सूख गई है, और उसको जला करके मस्त जुगाड़ है यार एकदम। सब लोग एकदम आगे पीछे अपना हीट कर रहे हैं। और यार ये अपना आ गया, मतलब हैंडपम्प पाइप जो अंदर बोरिंग होगा, पाइप जो जाती है अंदर, और हैंडपम्प जो भी इसका सेटअप है, समरसेबल सब कुछ इसके अंदर आ चुका है, और लगता है कि आज काम ये मेरा फाइनल हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हो रही समरसेबल की सेटिंग।
और यार सुबह से हो गई शाम, मेरा काम ये फाइनल हो गया होता यार आज दोपहर में ही, लेकिन 2-3 घंटे लाइट नहीं थी आज, इस वजह से काफ़ी लेट हो गया, शाम के 5 बज रहे हैं और काम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है मेरा पानी वाला। यहाँ पे देख सकते हैं समरसेबल का काम एकदम जोरों पर चल रहा है। आज काम फाइनल होने के बाद ही मिस्त्री लोग जाएंगे यहाँ से, मतलब शाम के अभी मतलब 1-1.5 घंटे का काम और रह गया है, 1 घंटा और लगी ना, कम में लगी, मतलब 1 घंटे का काम और रह गया। सामने देख सकते हैं वहाँ पे पाइप डाला जा रहा है अंदर। मिस्त्री साहब, मैं कैसे मालूम चली हो कि पनिया आवा था कब कम नहीं आवा था, मतलब जब भाई चालू करब तो मैं कुछ देखाओ थी ना पनिया खातिर। हाँ पनिया खातिर एम्पियर बताई, आई आई देखा वोल्टेज बता वाला आई एम्पियर वाली हाई है बटन, तो एम्पियर जब ना उठाई तब बताई कि ना उठाओ तो कटवा तो कुल जीरो जीरो पर फूल होकर पानी मिला था। हाँ तो और तू हाई बताई लाइन बताई है से कितने वोल्टेज पे चला था, मतलब हाई है बस स्टार्ट स्टॉप ये बाहर का हल्का काम होगा बंद हो जाए। हाँ जब बचा बस सही। और यार अभी पहुंच रहे हैं जस्ट घर अपने, और रास्ते में यार क्या ही बताएं कितना कोहरा था, मतलब बहुत ही ख़तरनाक मतलब सीन था यार, मतलब सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इतना कोहरा था, मतलब गाड़ी जो है मतलब 20 से ऊपर उसका कांटा जा ही नहीं रहा था। भाई थे हम थे तो वो चला ड्राइव कर रहे थे, हम पीछे बैठे थे, मैं देख रहा था उनका स्पीड 20 से ऊपर जा ही नहीं रहा था, रोड भी नहीं सही था और कोहरा भी बहुत काफ़ी था। तो यार आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। यार वीडियो पसंद आए जैसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग यार चैनल पर नए हो चैनल के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आप लोगों से मिस ना हो।